भिलाई की, जहां बलौदाबाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव को 20 अगस्त तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। शनिवार को भिलाई निवास से गिरफ्तारी के बाद बलौदाबाजार में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया और फिर कोर्ट ने देवेंद्र यादव को 20 अगस्त तक न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। विधायक देवेंद्र यादव को देर रात कोर्ट से सीधे केंद्रीय जेल रायपुर ले जाया गया। इससे पहले शनिवार को दिन भर हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा चलता रहा। इस दौरान पुलिस के समर्थकों से भी जमकर झड़प हुई। मामले में जमकर सियासी बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। दरअसल सतनामी समाज के प्रदर्शन के दौरान 10 जून को बलौदाबाजार जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में आगजनी की घटना हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने 150 से अधिक दो पहिया और 10 चार पहिया वाहनों को आग के हवाले किया था। कलेक्टर और एसपी कार्यालय को भी फूंक दिया गया था। सरकार ने इसे राजनीतिक साजिश के तहत हुई घटना बताया था। हमारे मुवक्किल को ना ही एफआईआर की कॉपी दी गई, ना ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दिए गए, जिसके लिए आज उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट के समक्ष अपना स्वतंत्र एक पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा ना ही किसी प्रकार से कोई किसी दुष्भावना से कोई स्टेटमेंट दिया गया है कि ना, ये पूरी एक राजनीतिक अरेस्ट है। उन्होंने कोर्ट के समक्ष ये बताया कि उन्हें किस प्रकार से बिना एफआईआर की कॉपी दिए, बिना किसी कारण बताए पुलिस आज अरेस्ट करके लेके आई है। और न्यायालय ने भी उनके सारे चीज़ों को सुनने के बाद रिकॉर्ड करके, जो पुलिस की दरख्वास्त थी कि उन्हें एक जुडिशियल रिमांड की ज़रूरत है ना कि पुलिस रिमांड की, तो उन्हें जुडिशियल रिमांड पे सुपुर्द। तो जेल भेजे गए हैं विधायक देवेंद्र यादव। आपको बता दें समर्थकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की है। रायपुर से हमारे संवाददाता मनोज नायक हमारे साथ इस पूरे मामले पर ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। मनोज जी, सेंट्रल जेल में न्यायिक रिमांड पर है विधायक देवेंद्र यादव, अब आगे की कार्रवाई की अगर हम बात करें तो क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिल सकती है विधायक के ऊपर? जी देखिए, बलौदाबाजार हिंसा मामले में लगातार बलौदाबाजार पुलिस कार्रवाई कर रही है। इस मामले में विधायक देवेंद्र यादव को बार बार नोटिस देकर तलब भी करती, लेकिन विधायक देवेंद्र यादव बलौदाबाजार पुलिस के समक्ष बयान देने के लिए नहीं जाते। इसके बाद जो बलौदाबाजार पुलिस कल सुबह से उनके निवास के सामने डटी हुई थी, इसके बाद वहां पर देवेंद्र यादव के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया और शाम होने से पहले बलौदाबाजार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर बलौदाबाजार की कोर्ट में पेश कर दिया, जहां से कोर्ट ने उन्हें 20 अगस्त तक की न्यायिक हिरासत पर जेल भेजने के आदेश दिए। इससे बलौदाबाजार पुलिस देर रात करीब 11:30 बजे के बाद जो है रायपुर केंद्रीय जेल देवेंद्र यादव को लेकर पहुंचे और उन्हें अभी जेल दाखिल करा दिया गया। वहीं इस मामले में अब राजनीति भी तेज हो गई। इस मामले में जो है देवेंद्र यादव के पक्ष में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी आ चुके और उन्होंने पूरी कार्रवाई को भाजपा का षड्यंत्र बताया। दूसरी ओर गृह मंत्री विजय शर्मा का भी बयान आया है कि जो भी कानूनी कार्रवाई है वह न्याय सम्मत की गई है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। तो बिल्कुल, जेल भेज दिए गए हैं देवेंद्र यादव। पुलिस और समर्थकों के बीच झड़प भी देखने को मिली। तमाम जानकारी के लिए मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ है। आज विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी भी की गई। ये बलौदाबाजार हिंसा को लेकर आज बड़ी कार्रवाई हुई है, देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की गई। कांग्रेस पूरे प्रदेश में दुर्भावनावश कार्रवाई का आरोप लगा रही, कैसे देखते हैं? मुझे भी पता चला है, माननीय विधायक जी ने शायद सहयोग नहीं किया इसलिए गिरफ्तारी करनी पड़ी, ऐसा पता चला है। जो भी है, बड़ी घटना थी और उस घटना के संदर्भ में बहुत स्पष्टता के साथ सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था और हम सब ने कोशिश की थी कि ठोस कार्रवाई, कठोर कार्रवाई जो भी हो सब पर होनी चाहिए। भूपेश बघेल जी कह रहे हैं इस मामले में कि भाजपा के जिन नेताओं की भूमिका थी उन पर कार्रवाई नहीं की गई, बनिस्बत देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। जो भी होंगे भाई, उसमें कोई पार्टी, कोई जात समाज कुछ नहीं है। असामाजिकता जिन्होंने की होगी उनको तो मैं सोचता हूँ कि दंडित होना ही चाहिए। इस मामले में आप लोगों ने लगातार सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे, समिति का गठन भी किया था और सभी समाजों से शांति की अपील भी की थी। अब जिस तरह से राजनीति हो रही इस विषय में, प्रदेश भर में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस तरह के हालात बनाने की कोशिश की जा रही, कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने सुना कि वो सफ़ेद ध्वज भी लेकर के उन्होंने गिरफ्तारी दी है। जो घटना घटी थी वो बहुत ही गलत घटना थी, पीड़ादायक थी, छत्तीसगढ़ के सीरत को बदनाम करने वाली घटना थी और उसके बाद बाबा गुरु घासीदास जी के शांति के संदेश के प्रतीक स्वरूप श्वेत ध्वज को लेकर गिरफ्तारी देना, अर्थात उस बलौदाबाजार की घटना से समाज को जोड़ने की कोशिश करना, ये बहुत गलत है। असामाजिक लोगों ने किया था
पुलिस जांच कर रही है, जांच में पुलिस का सहयोग करना चाहिए। आज इसी तरह से शिव डहरिया ने कहा कि गलत तरह की कार्रवाई की जा रही है और विस्फोटक स्थिति बनेगी, तो ये किस तरह की घटनाओं को अंजाम देना चाह रहे हैं और प्रदेश की शांति और खुशहाली बने रहे इसके लिए प्रशासन क्या कर रहा है? पुलिस की मॉनिटरिंग पूरी हो, हर स्थिति में ऐसी घटनाएं आज नहीं कभी भी छत्तीसगढ़ में घटित ना हो पाए इसके लिए कोशिश कर की जा रही है। साथ ही ये है कि वर्तमान में सबसे मैं अपील करता हूं भाई कि मामले की जांच तक पहुंचने के लिए, जड़ तक पहुंचने के लिए पुलिस का सहयोग करना चाहिए। तो पुलिस का सहयोग सभी वर्गों को करना चाहिए और इस मामले में राजनीति नहीं होना चाहिए, इस बात को उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कहते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मिल्खा सिंह गिल के साथ गौरव सर, -24/7 रायपुर।